हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। बहुत सारे लोगों को रात्रि के दरमियान पूरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप एक्यूप्रेशर थेरापी से या रात्रि के दरमियान जो पूरे शरीर में दर्द होता है इनका इलाज पूरी तरीके से नेचुरली किस तरीके से कर सकते हो, वह हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले। यहाँ पर सिर्फ आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को जानना है, उनको ट्रीटमेंट करनी है। यहाँ पर जो सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट का नाम है LI-15, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का 15 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो यह पॉइंट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें इस जगह पर मिलता है, बहुत ही आसानी से यह पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। हमारी जो इंडेक्स फिंगर है या इंडेक्स फिंगर की जो बाहर की बॉर्डर है, जहाँ पर ऊपर की डार्क और नीचे की वाइट स्किन एक दूसरे से मिलती है, वह जंक्शन पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमारी जो इंडेक्स फिंगर है या इंडेक्स फिंगर का जो यह नकल है, यह नकल का टिप पॉइंट आपको मार्क करना है। यह टिप पॉइंट से आपको इस तरीके से बाहर की ओर लाइन ड्रॉ करनी है, जहां पर यह दो लाइन एक दूसरे से मिलती है वहां पर हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें नोट कर देना है, मार्क कर देना है। फिर से जान लेते हैं, इंडेक्स फिंगर की बाहर की जो बॉर्डर होती है वहाँ पर हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमारी जो इंडेक्स फिंगर का नकल है वहाँ का जो टिप पॉइंट है, यह टिप पॉइंट से आपको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ पर यह दोनों लाइन एक दूसरे से मिलती है वहाँ पर हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें मिल जाता है। तो यह पॉइंट को लोकेट करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से 2 मिनट के लिए एक्यूप्रेशर देना है, यह पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेना है। इनके बाद यहाँ पर हमें मैग्नेट या तो सीड का इस्तेमाल करके यह पॉइंट को ट्रीटमेंट देनी है, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। यहाँ पर मैग्नेट थेरापी के लिए हमें इस तरीके के स्मॉल साइज के मैग्नेट का इस्तेमाल करना है। यह मैग्नेट को byol मैग्नेट बोला जाता है। यह मैग्नेट की खासियत यही होती है कि इनकी सरफेस इस तरीके से येलो होती है और एक सरफेस इस तरीके से वाइट होती है। अगर वाइट सरफेस हमारा जो पॉइंट है यह पॉइंट के कांटेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी कम होती है, और अगर येलो सरफेस हमारा जो पॉइंट है यह पॉइंट के कांटेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी बढ़ती है। यहाँ पर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है यह पॉइंट की एनर्जी हमें बढ़ानी है, इसीलिए मैग्नेट की जो येलो सरफेस है यह येलो सरफेस को इस पॉइंट के कांटेक्ट में लगानी है। जान लेते किस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई करना है। आधी चौड़ी पेपर टेप लेनी है, यह टेप के ऊपर मैग्नेट को इस तरीके से लगाना है ताकि ऊपर से आपको येलो सरफेस दिखे और टेप के पीछे से आपको इस तरीके से वाइट सरफेस दिखे। फिर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट पर यह मैग्नेट को इस तरीके से लगा देना है। इनके ऊपर आप दूसरी टेप भी इस तरीके से क्रॉस में लगा दीजिए ताकि यह मैग्नेट यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका हुआ रहे। यह मैग्नेट को आप रात को सोने से पहले लगा दिए, सुबह इनको निकाल दीजिए, या तो दिन में भी आप लगा के रख सकते हो, दिन में 6 से 8 घंटे भी लगा के रख सकते हो। यह मैग्नेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हमारी ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर आपके पास यह मैग्नेट अवेलेबल नहीं है तो आप सीड का इस्तेमाल करके भी यह पॉइंट को ट्रीटमेंट दे के फ़ायदा ले सकते हो। यहाँ पर सीड थेरापी के लिए हमें स्मॉल साइज के सीड्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वह स्मॉल साइज का है। इसलिए यहाँ पर आप मूंग के दाने ले सकते हो, मेथी के दाने ले सकते हो, या तो कोई दूसरे स्मॉल साइज के सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर मेथी के दाने ले रहा हूँ। आधी चौड़ी पेपर टेप लेनी है या टेप के ऊपर इस तरीके से थोड़े से मेथी के दाने लगा देने। फिर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट पर यह दानों को इस तरीके से लगा देना है। मैग्नेट की तरह यह सीड्स को भी आप रात को सोने से पहले लगा दिए, सुबह इनको निकाल दीजिए, या तो दिन में 6 से 8 घंटे लगा के रख सकते हो, या तो फिर पूरा दिन भी लगा के रख सकते हो। अगर दिन में लगा रहे हो और आपके पास टाइम है तो हर एक घंटे 1 मिनट के लिए आप यह सीड्स को इस तरीके से दबा भी सकते हो, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही फास्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है। पर मैग्नेट की तरह यह सीड्स को आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो सीड्स होते हैं इसमें हीलिंग पावर होता है, जर्मिनेटिंग एनर्जी होती है, जो कि हमारा डिसीज है उनको हील करने में यूटिलाइज्ड हो जाती है, इसीलिए फिर यह सीड्स हमारे कोई काम के नहीं रहते। दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नए सीड्स लेना जरूरी हो जाता है।
यहां पर हमने ये सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन जान लिया, किस तरीके से इनको दबाना है, कैसे आप मैग्नेट या तो सीड का इस्तेमाल करके यह सिंगल पॉइंट को ट्रीटमेंट देके रात्रि के दरमियान जो पूरे शरीर में दर्द होता है इनका इलाज बहुत ही आसानी से घर पर ही पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।